तो कल हमारे इधर बारिश गिरी थी, इसलिए यहाँ पे हमारे घर के सामने बगीचे में वगैरह सब इधर बहुत कचरा हो चुका है। मतलब हवाई वगैरह भी चल रही थी ज़ोर से, इसलिए बहुत कचरा हुआ है। अभी अभी हमको ये सब साफ़ करना है, पीछे बहुत कचरा हो गया है और इधर को इधर साफ़ भी कर रहा है। तो अभी पहले अपना जो खला है, मतलब घर के सामने जो खला रहता है, वो पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे जो पीछे के साइड है वहाँ पे भी बहुत कचरा हुआ है, तो वो भी अभी साफ़ करते हैं। तो दिक्कत हम अभी हमारा जो ग्रिड डाले हमने वहाँ पे, कैसा हुआ है बारिश की वजह से। तो ये हमारा जो खला है सामने का, मैं देखो यहाँ पे जो बारिश का जो असर दिख रहा है, बूंद गिरते हैं ना उसके, तो उसका ये है डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। साफ कर दिया है, झाड़ू मार रहा है, इसलिए वो जो ये रहते हैं बूंद रहते हैं ऊपर ऊपर की, वो सब जा रही है। तो वैसे ही अभी पूरी झाड़ू पूरे खले में मारने पड़ेगी, पूरे भाई घर के सामने, तो वैसे ऊपर की धूल जाएगी। तो चलो अभी ये पूरे पहले सामने का साफ करते हैं सब, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे, वो भी सब साफ करना है। और मैंने अभी सुबह में बाइक भी धो के रख दिया है, ये भी ख़राब हो गई थी कल सुबह में बारिश की वजह से। क्या ही दिख रही है देखो, ब्लैक ब्लैक ब्यूटी। तो गाइस अभी यहाँ पे अपना जो खला है वो साफ़ हो चुका है, देखो एकदम से पूरा साफ़ हो गया है। यहाँ भी हमने साफ़ कर दिया है, अभी बारी है सामने की, देखो यहाँ पे भी बहुत कचरा है कल की वजह से, बहुत वो अभी दब गया है, इसलिए अभी साफ़ करने के अच्छे मिलेगा। तो चलो अभी ये काटा बोलते हैं इसको, इससे साफ़ करते हैं सब, इससे सब साफ़ करते हैं अभी, सब जमा करके, जलेगा तो नहीं आज, जलेंगे कल जलाएंगे, आज से जमा करके रखते हैं सब एक जगह पे। तो चलो अपने काम अभी शुरू करते हैं। तो गाइस वो देखो अभी भी काम कर रहा है वो, ये देखो इधर अभी भी काम कर रहा है वो, लगभग काम हो चुका है। ये देखो इधर सब जमा किया हुआ है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, वो अभी कर रहा है, क्योंकि इधर भी जमा किया हुआ है। तो देखो गाइस अभी भी ये काम चालू है, देखो सब एक जगह पे वो घान जमा कर रहा है, देखो इधर जमा है, ये देखो सब इधर जमा किया हुआ है, छोटी सी छोटी छोटी चीज़ भी वो जमा करके जला रहा है। अभी हम देखेंगे जला के वो जलता है क्या नहीं, क्योंकि क्यों कल बारिश गिरी थी, इसे देखते हैं क्या अभी जलता है या नहीं। और उसके देखो पसीना भी टपक रहा है, क्योंकि धूप बहुत है, अभी बजे कम से कम 9:30 भी बजे है। और देखो ये भी पार्टी भी आ चुकी है, और क्या बोलना है क्या, ये बस कर दो इतना वीडियो। तो गाइज यहाँ पे अभी अपना काम जो है पूरा हो चुका है, अभी मैंने सब कचरा वगैरह एक जगह पे जमा कर दिया है, मतलब अलग अलग जगह पे बड़े बड़े से ढेर जमा कर दिए, उसको भी जलाना है। और पसीना देख रहे हो, ओरिजिनल पसीना है सब, इतना पसीना कभी आपको आया है कमेंट में ज़रूर बताना, आज बहुत पसीना निकल गया, हाथ भी पूरे भर गए पसीने से, पूरा शर्ट वगैरह सब भर गया है पसीने से। अरे तो पसीने से अपना जो चेहरा है वो भी चेंज हो रहा है, देखो
इतना पसीना आ रहा है। तो अभी चलते घर पे, पहले थोड़ा आराम करते पंखे के नीचे बैठते, उसके बाद जलाने को ट्राई करेंगे। अब ये कचरा जो है देखते जल पाता है या नहीं, क्योंकि कल ही बारिश गिरी, ज़्यादा नहीं गिरी पर थोड़ा टाइम गिरी, स्लोली गिरी पर थोड़ा ज़्यादा टाइम गिरी, ज़ोर से नहीं गिरी। तो चलो अभी चलते घर पे, उसके बाद देखते हैं आग लगती है नहीं कचरे को। तो गाइस अभी बज चुके हैं 5, और जैसे आपको पता ही होगा कि अपन 5 बजे खेलने के लिए आते हैं, तो मैं अभी खेलने के लिए आया हूँ। हम अभी टीम टीम खेल रहे हैं और मैं आउट भी हो चुका हूँ फर्स्ट इनिंग में। एक छक्का मारा, दूसरे बॉल में आउट। इतनी ख़राब किस्मत है, मुझे लग मेरे दिल में भी डर बैठा है कि जो पीछे आपको भेकरी दिख रही है ना, उधर बॉल जाता है मेरा, उधर ऊपर बॉल जाता है छत पे, तो वो जो भेकरी वाले हैं वो बार बार चिल्लाते हैं, तो उससे मुझे डर बैठा है कि अभी मैंने मारा तो भेकरी पे जाएगा ही, और ये होता है भेकरी पे जाएगा ही और कुछ फूट जाएगा तो मेरे ऊपर आएगा, इसलिए मैं स्लो मारता हूँ, डायरेक्ट कैच जाती है। वो आज भी वैसा ही हुआ, मैं स्लो मार रहा था और ये डायरेक्ट कैच चली गई बाउंड्री पे। तो देखते हैं अभी 8 ओवर की मैच है, मैं पहले ओवर में आउट हो चुका हूँ 6 मार के, देखते हैं अभी स्कोर कितना बनता है। ओए होए, अरे चौका टप्पा पड़ला, 24 रन। देख अभी मेरे पीछे जो बैटर है वो भी अभी आउट हो जाता, मेरे एज का ही है, वो भी बाउंड्री पे आउट हो जाता कैच पकड़ के। ओए होए, सामने वाली फील्डिंग अच्छी अच्छे से फील्डिंग कर रही है, फील्ड कर रही है। तो देखते हैं अभी फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनते हैं, मिलता हूँ मैं अभी आपको आगे। तो गाइस, ओए होए, तो गाइस बोला और इसने छक्का मार दिया। तो गाइस अभी फर्स्ट इनिंग अपनी हो चुकी है, अपने को विन अपन ने विन दिए है 58 रन की 8 ओवर में, हमारी टीम ऑल आउट हो गई या 5 ओवर या 6 ओवर में कुछ तो भी। तो अभी देखते हैं अपन जीत पाते या नहीं, उनके जो एक मेन प्लेयर है वो आउट हो चुका है, एक मेन प्लेयर बाकी है। तो बघते हो कसा ना यारा माजा है, स्वतःची काढते तीच बोलता। तो देखते हैं अभी जो सामने की टीम है वो रन मार पाती या नहीं, तो मिलते हूँ मैं अभी आपको एंड में। अपनी जो सेकेंड इनिंग है वो भी हो गई है, हम जीत गए थे 10 रन से जीत गए थे, जो दो प्लेयर मैंने मेन बोला था उनकी टीम के, उनको मेरे एज के लड़के ने आउट ले लिया था स्टंप आउट, तो वो मैच हम जीत गए। हाँ तो वो मैच हम जीत गए। अभी दूसरी मैच चालू हुई है, उसमें भी मेरी इतनी ख़राब लग गई ना कि मैं शॉट मारने गया और कट लग के डायरेक्ट विकेट के हाथ में, उसके बाद मेरे एज का जो बैटर था वो गया, वो भी आउट हो गया, वो भी कट लग के स्टंप डायरेक्ट उड़ गया उसका। काय बोलते बोल उठला, काय बोलते काय तू आ बोल लीस, काय बोल मा बोल तो काय काय पण बोल। इसने भाई मुझे बुलाया, वो इधर आ बोलता है और अभी कुछ बोल नहीं रहा है, कैमरा शायद बहुत है, मैं भी पहले था भाई और अभी हो गया है अच्छा अच्छे से बोल रहा हूँ अभी। तो देखते हैं अभी अपन जो मेन दो मेन प्लेयर थे वो आउट हो गए, अभी देखते हैं रन कितने बनते हैं, मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो अभी अपनी जो सेकंड इनिंग है वो भी हो, अपनी जो मैं बोल रहा था फर्स्ट इनिंग में अपने जहाँ पे मैं आउट हो गया था, मैं और मेरा एक दोस्त मेरे सेम एज का, तो दोनों आउट हो गए थे, उसके बाद सिर्फ 6 रन बने, हमारी टीम ऑल आउट हो गई तो 6 रन बने सिर्फ, 7 की विन थी। तो उसने पहले इसमें ख़त्म कर दिया पहले बॉल में ही, तो अभी तीसरी मैच शुरू हुई है 8 ओवर की, और उनका जो पहला एक मेन प्लेयर है वो आउट हो चुका है, उसका और एक मेन प्लेयर है वो बाकी है, उसको अगर आउट ले लिया ना तो अपना काम हो गया। तो देखते हैं अभी कितने रन बन पाते हैं उनके, चलो देखते हैं आगे। मैं खेल के 7 बजे आ गया था, उसके बाद मैंने नमाज भी पढ़ ली है, उसके बाद अभी खाना अपना बैठने जा रहा था मैं, पर अभी बारिश की आवाज़ आ रही है, ज़रा आप भी सुनो, ज़रा मैं ऐसे ही रखता हूँ फ़ोन, आप सुनो। मुझे लगता है फ़ोन में नहीं आएगी, और ये भी गिर रही है बारिश के बूंदे भी गिर रही है, तो बारिश आएगी तभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका सीन, कल भी गिरी थी पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था।
तो आज अगर बारिश आई अभी तो मैं उसका सीन रिकॉर्ड करता हूँ। आवाज़ तो बहुत जोर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, अपने पहाड़ पहाड़ वगैरह से। तो देखते कभी तक आती इधर, आवाज़ तो बहुत आ रही है बारिश की। चलो अगर आई तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, क्लिप डालता हूँ यहाँ पे। तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि बारिश की आवाज़ आ रही है, तो बारिश अभी आ गई है, तो आपको भी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा तो ध्यान से सुनो पहले। तो मैं डायरेक्ट आपको पानी दिखाता हूँ, आपको जिसको आवाज़ नहीं आ रही ना उसको डायरेक्ट मैं पानी दिखाता हूँ बारिश का, ऊपर से छत से गिर रहा है वो। ये देखो अभी हल्की हल्की सी बारिश गिर रही है, देखो पूरा गीला हो चुका है। हाँ इधर ग्रिट डाला हुआ है। जिसको भी ये अपना एडिटिंग वगैरह लग रही होगी तो उसके लिए मैंने हाथ डाला हूँ, ये बारिश सच में गिर रही है। चलो अगर बारिश ज़्यादा हुई तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो इसकी एक क्लिप के बाद वीडियो एंड करेंगे। तो गाइस अभी जो बारिश है वो चली गई है, और मेरे कुछ अपने चेहरे पे नोटिस किया होगा कि ये बहुत है, मतलब पसीना वगैरह बहुत है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत कर रही है क्योंकि बारिश थोड़ी सी गिर रही है, थोड़ी सी उसके बाद बंद हो रही है, इसलिए जो ज़मीन वो छोड़ रही है ना, मतलब उसकी हीट छोड़ रही है, इसलिए उसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है। तो अभी भी जो बारिश गिरी है, गीला हुआ था, मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैक हुई थी पूरी ज़मीन, अभी देखो कितना सब जैसा था वैसे हो गया। एब्जॉर्ब बहुत कर रही है पानी वो ज़मीन, एक बार ज़ोर से बारिश गिरनी चाहिए और बहुत टाइम तक गिरनी चाहिए, और एक दिन गिरी तो नहीं चलेगा, 2-3 दिन गिरनी चाहिए कंटिन्यू, तभी काम बन पाएगा। तो गर्मी भी बहुत कर रही है, इसलिए मैंने भी खेलते वक्त भी तीसरे मैच की जो क्लिप थी वो शूट नहीं किया था, वहाँ पे मैंने बस किया कर दिया था। गर्मी बहुत कर रही है यार, अभी यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।